गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। एक बार ये बताओ, अभी करना क्या क्या है? अभी आगे पढ़ना है या कोई असाइनमेंट है? अच्छा, एक असाइनमेंट बचा हुआ है सर, एक असाइनमेंट है। फाइव हाँ, नंबर क्या है? ओके, फाइव गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। चलिए, आप भी असाइनमेंट ओपन कीजिए, हम भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। नो सर। नो सर। नो सर। ओके। क्वेश्चन नंबर टू। नो सर। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर थ्री। सर मुझे पूछना है। यस सर। थ्री। यस सर। मेरा भी बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग शीट है ये, और शीट की थिकनेस जीरो नहीं है, 10 सेंटीमीटर है, और उस शीट के अंदर चार्ज भरा हुआ है। एक शीट की जगह इसको स्लैब मानकर चलो आप, एक स्लैब है हमारे पास, और उसकी वॉल्यूम चार डेंसिटी आपको दी गई है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है ना? हमें इस शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसने पोजीशन दी है एक सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर। बेटा, अगर सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर होगा तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? बताओ सर। आर माइनस टू। नहीं बेटा, इसकी डायमेंशन दी है ना, इसने तो 10 सेंटीमीटर थिकनेस दी है, सर थ्री तो हो मुझे ये जाएगा। बताओ, अगर सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। आप जो चुप हो जाते हो, बस ये चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लगती हो। मैंने बोला है कि ना किया करो, हाँ किया करो, कुछ तो किया करो। अब ये भी बोलूंगा, आपने नो तो बड़ी आसानी से बोल दिया, लेकिन नो क्यों बोला, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं आ रहा। अरे इसमें आना नहीं आना क्या है? मैंने सोल्यूशन थोड़ी ना पूछा है, मैंने सोल्यूशन थोड़ी ना पूछ लिया मेरा बच्चा, इसमें नहीं आना क्या है? इससे यह पता लग रहा है कि अभी आप अटेंटिव नहीं हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये आपको एक स्लैब दिखाया है मैंने, और आपको स्लैब का थिकनेस दिख रहा है, थिकनेस
दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 है और इसने जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट हमें दिया है सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर यहां। तो भाई मैंने ये पूछा है अगर ये सरफेस से दो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है, अगर ये डिस्टेंस 2 है तो बेटा सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, इसमें नहीं आने वाली बात मुझे साफ बता देना। 8 सर 3। ये लड़की तो पागल हो गई परिधि। हाँ बेटा ये सॉरी में एक साल खराब हो जाएगा अगर आपने इस तरह से लापरवाही की तो, है ना। और बाकी दोनों तो है ही नहीं शायद क्लास में। मैं अभी है ना बोला ना। हाँ हाँ अब है ना एक काम करने वाला हूँ मैं कि अब 11th और 12th दोनों क्लास में आपको कैमरा ऑन रखना मस्ट करने वाला हूँ। ऐसे काम चलेगा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ इस चीज को लेकर। तो आप आज मैं छूट दे रहा हूँ, बस नेक्स्ट टर्न से आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठेंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में तैयार होकर आते हैं ना, वैसे बैठेंगे। और जैसे ही आपका कैमरा बंद हुआ मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ऐसे काम चल नहीं रहा, मुझे पता नहीं लग रहा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं पढ़ रहा। तो सिर्फ आज छोड़ रहा हूं मैं आपके, आपको कैमरा तो ऑन रखना ही है, मस्त है। उसके बाद बोलो ना बोलो फिर मैं बुलवा लूंगा आपसे, क्योंकि मैं अब है ना लैपटॉप को भी साथ में लेकर बैठूंगा ताकि दोनों काम हो जाए। चलिए खैर, तो बच्चा सेंटर से 3 सेंटीमीटर आएगा, ये 3 आएगा क्योंकि टोटल 10 है। तो 10 में से अब मुझे ये भी बताना पड़ रहा है, बताओ कितना टाइम वेस्ट होता है। ये 5 हो जाएगा अगर सरफेस से 2 सेंटीमीटर है तो सेंटर से 3 सेंटीमीटर आएगा। अब मुझे इस पॉइंट पर, ये आपके समझाने के लिए बनाया था, मैं वापस हटा रहा हूं सब कुछ। अब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और बच्चों ये पूरा स्लैब है ना वो चार्ज से भरा हुआ है, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको। तो हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या है आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे ये ऑब्जेक्ट क्या है। वुडन प्लैंक टाइप्स। करेक्ट, इसने अच्छा बोला। शे आपकी आवाज नहीं आती बेटा, आपको करना ही पड़ेगा कुछ इंतजाम। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, मैंने कल भी आपको टोका था। बस ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी बात पूरी होने दो। ऐसा लगता है कोई बोल रहा है क्या बोल रहा है, इन बच्चों की जितनी लाउड आवाज आती है। और वो होता क्या कंपेयर भी होना ना, इनके इतना लाउड आवाज आती है, मैं वो सुनने की आदत पड़ गई मुझे। तो हर्षित ने बिल्कुल सही बोला, इट इज जस्ट लाइक वुडन प्लैंक। और आपको उस वुडन प्लैंक का थिकनेस दिखा रखा है मैंने एक तरह से। तो एक तरह से इधर भी डायमेंशन इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, सब तरफ इनफाइनाइट है, अंदर भी इनफाइनाइट है, बाहर भी इनफाइनाइट है। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, वो एक क्यूबॉइड टाइप हो जाएगा, ये जस्ट लाइक दिस, ये एक क्यूबॉइड हो गया। बेटा हम जानते हैं इसमें जो चार्ज भरा हुआ है पूरे स्लैब में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभी ये बार बार निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे बाहर की तरफ होगा। ये वाला जो सरफेस है अगर इसका एरिया ए है तो इससे बाहर फ्लक्स जाएगा ई इंटू ए, और इससे भी बाहर फ्लक्स जाएगा ई इंटू ए। तो इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स आ गया 2EA एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आएगा वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आएगा, ये शेडेड कर रहा हूँ, ये पूरा चार्ज निकालना है मुझे। तो ये आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना है भाई, तो
तो वॉल्यूम में एरिया तो हमने ए लिया है, और इस सरफेस एरिया को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, थिकनेस कौन सा, ये तो ए था, ये पूरा ए था ना, और अगर मैं एरिया को इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो निकल आएगा मेरा वॉल्यूम। तो बेटा ये टोटल कितना है, ये कितना है सर? सिक्स सिक्स करेक्ट, सिक्स है। मैं जरा सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूँ। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बेटा एरिया दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू नीचे ले गया। अब सारी वैल्यू पुट करो, रो इसने कितना दिया है, 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और 6 इंटू 10 टू द पावर ऑलरेडी ऊपर था, और एप्सिलॉन नॉट होता 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बेटा 8.85 और 2 दोनों मिलकर 17.7 ही होते हैं, कैंसिल हो गया और आंसर आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर, पावर को बताओ कितना बचेगा, 1 बचेगा शायद, 1। तो आंसर आएगा 60 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, कुछ भी बोल दो। कर लो भैया इसको कॉपी ढंग से, कोई भी डाउट है तो डाउट जरूर पूछ लो, मैं डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब देना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आप आगे बढ़ो। Done, sir. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। नो सर। 5। यस सर। बेटा मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें इंटीग्रेट किया था, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, उस मेथड को कॉपी करना है, वैल्यू इसकी पुट करनी है, मेथड पूरा वो लेना है, और मुझे एक बार सॉल्यूशन भेजो बेटा, क्योंकि मैं जिस चीज को क्लास में करा चुका हूँ उसे मैं रिपीट तब करूंगा जब पहले आप अपनी मिस्टेक मुझे दिखाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में तब बताऊंगा जब आप मुझे, मैं पूरे दर्शन कराऊं आपको, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी बिल्कुल लास्ट में कराया था मैंने, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का ये क्या असाइनमेंट है क्या, नहीं ये रहा ना, हाँ बस फर्क इतना है, मैंने जो डेंसिटी दी थी वो प्रोपोर्शनल टू आर थी, और इसने जो डेंसिटी दी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसने रो ए बाई आर दिखाया ना, लेकिन आपको मेथड ये पूरा कॉपी करना है और मुझे सॉल्यूशन सेंड करना है, फिर मैं देखता हूँ आपकी मिस्टेक क्या है, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, है ना? ओके बोल का छोड़ मत देना, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, पिछली बार भी एक सॉल्यूशन आपने नहीं भेजा था,
अरे हाँ एक चीज और डिस्कस करनी है बेटा, टेस्ट पेपर तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा हर बार इतना लंबा। आप टेस्ट पेपर में जो आपके डाउट है ना वो मुझे आप पर्सनली चाहो तो सेंड कर देना एक बार, लेकिन स्कोर जो है वो आपका मिनिमम 57 है और मैक्सिमम 87 है। आप चार लोगों को, चारों ने टेस्ट दिया है, इस परिधि को तो मुझे बोलना पड़ा टेस्ट देने के लिए। परिधि क्या मूड थोड़ी ना था आपका टेस्ट देने का, वो तो मेरा फोन आया इसलिए दिया है ना। सॉरी सर। नहीं नहीं मुझे ले क्वेश्चन कुछ कर रहा हूँ, क्वेश्चन फिजिक्स पूछा है जवाब केमिस्ट्री का दे रही है। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर सॉरी है ही नहीं, पूरा बताना पड़ेगा आप टेस्ट देने का मूड क्यों नहीं था। मतलब सर को बार बार बोलना पड़ेगा कि आप टेस्ट दो घर आकर। नो सर। फिर जवाब दो सर। एक्चुअली मेरा टेस्ट था उसके बाद 9 से 12 टेस्ट था, और आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे टेस्ट का शेड्यूलिंग शाम को 6 बजे तक क्यों था, वो भी आपको पता है। 6 बजे तक इसीलिए शेड्यूल था ना कि आपका सुबह टेस्ट था, वरना मैं 6 बजे तक क्यों करता। फिर आंसर गलत, अरे बेटा मार्क्स नहीं आएंगे ऐसे गलत आंसर दोगे तो, मार्क्स कैसे आएंगे बताओ। बोलो बोलो, छोड़ूंगा नहीं, नहीं, नहीं आ पाएंगे। क्या नहीं आ पाएंगे, देखो पता ही नहीं क्वेश्चन क्या। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी ना था, मेरा मेन क्वेश्चन तो कुछ और था कि कल टेस्ट देने का मूड क्यों नहीं था, इसका जवाब चाहिए मुझे। मूड नहीं था, मैं भूल गई। भूल गए, ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, मेरे 22-23 साल के करियर को तुम ऐसे तो खराब नहीं कर सकते, भूल तो नहीं सकते। रात को नींद में भी देखो मेरे टेस्ट ही दिखता होगा, भूल तो नहीं सकते तुम तो। बस बाकी लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि बेटा अगली बार ये गलती मत करना कोई भी, ठीक है। और हाँ आप अपने मार्क्स अपना टेस्ट पेरेंट्स को दिखाओगे, आपके जो लॉगिन है ना उस लॉगिन में पूरा एनालिसिस आता है, वो एनालिसिस लेकर पेरेंट्स के साथ बैठना कि ये मेरे मार्क्स आए हैं, ठीक है। फिर मैं पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा इंडिविजुअल। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नो सर। नो सर। नो सर। चलो तो एक बार सॉल्यूशन सेंड कर दो फटाफट। सिक्स्थ का नो हो गया ना, नो होने का मतलब यू हैव डन दिस प्रॉब्लम। फटाफट सॉल्यूशन सेंड कर दो मुझे टेलीग्राम पर। बेटा मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा इस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाने में, पर तुम लोग बहुत अच्छे से सुधर जाओगे। चारों लोग सेंड करो सॉल्यूशन 6th क्वेश्चन का, वेटिंग। कर दिया सर। हाँ बच्चा, दो लोगों का मेरे पास सॉल्यूशन आया है। हर्षित मैंने आपका देखा, आपका सॉल्यूशन गलत है। ओके सर।
हाँ क्योंकि बेटा ई से फ्लक्स नहीं निकालना, फ्लक्स गॉस लगाकर निकालना है। हम लोग फाई से ई निकालते हैं, ई से फाई तो हम तभी निकालते हैं जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या सिमेट्रिक हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर तो तुम ई से फाई निकाल ही नहीं सकते। इस वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रेट वायर का और जो सर्किल है उसका एरिया वेक्टर के एंगल आप निकाल ही नहीं पाओगे, हर पॉइंट पर एंगल डिफरेंट होगा। ओके सर। परिधि बेटा आपने एबी लेंथ तो ठीक निकाली है, चलो मान लिया मैंने, लेकिन उसके बाद आपको, चलो आप फ्लक्स को लिख रहे हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। परिधि यार आपका परफॉर्मेंस ये सब चीजें मैच नहीं करते, मेरे को पता नहीं, डाउट होता रहता है। चलो अभी तो आपका सॉल्यूशन सही है लेकिन मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बाकी दो लोगों का आंसर नहीं आया बेटा मेरे पास। सर भेज रहा हूँ, फोन लेने गया था दूसरे रूम में था। ओके हाँ बेटा आप दोनों का भी आंसर, ओ सॉल्यूशन मुझे मिल गया। श्रेया का सॉल्यूशन है चार्ज निकाला इसने लैम्बडा को लेंथ से मल्टीप्लाई करके और फिर गॉस लगाकर फ्लक्स निकाला, करेक्ट है बेटा श्रेया। परिधि आपका भी आंसर सही है, मैंने आंसर के लिए मना नहीं किया बेटा, सॉल्यूशन भी सही है आपका। मैं तो किसी और चीज के लिए कुछ कह रहा था। किसके लिए? मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था, थोड़ा सा वो आपको चेंज करना पड़ेगा कि जैसे आवाज हो कि आपको कंफर्म आता है वरना डाउट लगेगा। फ्रॉम और ये है, ये आपने लेंथ निकाला और लेंथ को लैम्बडा, ठीक है भाई। हर्षित तेरा गलत है बेटा, तेरे लिए बता देता हूँ फटाफट सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है, अपन को है ना सर्किल से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है और गॉस कहता था, सर्किल नहीं होगा सॉरी स्फीयर होगा ये, अपन को है ना स्फीयर है, हाँ तो अपन को स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स जो आएगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है इस वायर का कितना लेंथ जो है वो अंदर है इस स्फीयर के। तो ये स्फीयर का सेंटर है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको इससे मिला दो, पाइथागोरस लगा दो। आपको ये डिस्टेंस पता है y है, आवाज आ रही है मेरी आप सभी लोगों को? Yes, ये रेडियस r है, तो रेडियस r और y से पाइथागोरस लगा दो तो आपके पास पूरे वायर की लेंथ आ जाएगी, है ना। o से a, जो o डैश से a जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा पाइथागोरस से अंडर रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और जो ab डिस्टेंस होगा वो इसका जस्ट डबल होगा। अब सीधी सी बात है भैया, किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो q by epsilon नॉट होता है। अब इस पूरे स्फीयर में कितना चार्ज होगा, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और लेंथ ab से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। तो बेटा ये मेथड है और बाकी तीनों बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, गुड। ये बस मुझे यही कंफर्म करना था। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। अब मुझे डाउट है,
mark the correct statement if point charge is located inside a spherical Gaussian surface. If point charge is located inside a spherical Gaussian surface away from its center. आपको याद होगा पेपर में आता है, पेपर में आने के अलावा मैंने भी डिस्कस किया था, जो गॉस बताया था, मैं दो तीन पॉइंट लिखाए थे कि गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कभी पॉइंट चार्ज की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता और गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता और उसके साइज पर भी डिपेंड नहीं करता फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बस चार्ज एंक्लोज्ड पर डिपेंड करता है। लेकिन फ्लक्स से जब ई निकालोगे आप तो फिर बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर जाएगा, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर डिसाइड। यस सर, यस सर। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, ए पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड इनसाइड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, द फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर पार्ट ऑफ द सरफेस एंड नेगेटिव एट सम प्लेसेस। नो 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 नो, वैसे है ना क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, पॉइंट चार्ज तो लिख दिया लेकिन पॉजिटिव नहीं लिखा इसने। अगर पॉजिटिव नहीं लिखा, अगर अंदर वाला चार्ज नेगेटिव हुआ तो ऑल्दो पहला ऑप्शन तो कंफर्म रॉन्ग है, क्योंकि सभी के लिए पॉजिटिव है, सबके लिए नेगेटिव आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं ये गॉसियन सरफेस लू और अंदर मैं कोई क्यू चार्ज रख दूं, यहाँ पर प्लस क्यू रख दूं, तो बेटा फ्लक्स बाहर ही तो जाएगा, इनकमिंग फ्लक्स तो होगा ही नहीं, तो पूरे स्फीयर में पॉजिटिव फ्लक्स होगा। और अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो पूरे सरफेस के लिए नेगेटिव फ्लक्स होगा, ऐसा नहीं होगा कहीं प्लस होगा और कहीं माइनस है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बी, टोटल फ्लक्स डिपेंड ऑन द रेडियस, नो, गॉसियन सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता। सी, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, रॉन्ग, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जीरो नहीं होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑन द सरफेस विच हैज जीरो फ्लक्स। यस, ये सही है बेटा, इस पूरे सरफेस में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां से लाइंस पास ना हो, बता तो दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ, अगर एक्स आर से छोटा है तो स्फीयर के अंदर चलेगा और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, सी आएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नो सर, बेटा 9th को ऐसे ही करना है जैसे ये अपन ने क्वेश्चन किया है ना, अभी 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको पूरे क्यूब के अंदर जो वायर होगा उसकी मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, तो क्यूब डायगोनल ले लेंगे। बेटा आप जानते हैं अगर क्यूब की लेंथ साइड एल है तो डायगोनल रूट 3L आता है, यस सर, और उस लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, आंसर सी आएगा, मैंने बता दिया, आपसे पूछा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा 10th क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लास में कराया है, अगर आप क्यूब के सेंटर पर क्यू चार्ज रखोगे तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस से कितना जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ये आंसर आ गया, इसको k में कन्वर्ट कर दो, k होता है 1/4πε0, तो ε0 आएगा 1/4πk, तो आंसर आ जाएगा q/6, और 4πk ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2/3πk³, बस ये आंसर आ गया, 2/3 यानी कि 4/6 पहला आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। यस सर, तो ये तो क्लास इलस्ट्रेशन था। अब देखो परिधि, मैं आपसे कह रहा था ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो ये वाला डिफरेंस है, आपने क्लियर, आपने ही दिखा दिया कि बेटा ये इतना इजी प्रॉब्लम और वो भी क्लास इलस्ट्रेशन, तो आप मुझसे डाउट पूछ रहे हैं और वो इतना अच्छा प्रॉब्लम वो आपने कर लिया, ये डिफरेंस क्यों है बेटा? जब तक ये मुझे पता नहीं लगेगा ना तब तक मैं डाउट करता ही रहूंगा। ये मान लो आपने सुना, एक
इजी प्रॉब्लम वो भी क्लास में हो चुकी, वो तो आप डाउट पूछते हो, और एक टफ प्रॉब्लम जो क्लास में भी मैंने नहीं कराया वो आप कर लेते हो, ये मुझे डाउट क्रिएट करता है, रिमेंबर है ना। तो जब तक आप इस चीज को दूर नहीं करेंगे मेरा डाउट बना ही रहेगा और मैं आपको टोकता रहूंगा। एनीवे ये वाला असाइनमेंट बेटा कंप्लीट हो गया, अब यार आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यार ये बीच में नोट्स खराब करेगा, मैं डिलीट कर देता हूँ ये जो मैंने लिखा है। हाँ आपने तो कॉपी कर ही लिया होगा। ना वो नोट्स में इंटरप्ट करेगा बेटा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट डिस्कशन, आप देख लो फटाफट, देख लो कॉपी खोलकर नोटबुक। लास्ट डिस्कशन था कि मैंने एक पोटेंशियल दिया था किसी पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल देकर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछा था, इज इट? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसी में एक स्टेप आगे जाता हूँ। बच्चों अगर मान लो हमें, ये भी एग्जांपल ही मान लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाए इस तरह से, जैसे सपोज मैं कहता हूँ V इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, स्मॉल a एंड स्मॉल b बोथ आर कॉन्स्टेंट्स बट x एंड y आर वेरिएबल्स, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो x कोऑर्डिनेट के साथ भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट के साथ भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये हमें बता रहा है बेटा पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है, ऐसा बोलना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज होगा बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट जीरो होगा, जैसे मान लो z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो z डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सुन रहे हैं आप? तो देख लो यहाँ पर पोटेंशियल वाले फार्मूले में z हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब जेड डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। यस और नो? तो बच्चों अब हमें ई निकालना है कि ई कितना आएगा। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोटेंशियल वाले फार्मूले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? सुनो, अभी अभी मैंने क्या बोला, जिधर पोटेंशियल चेंज हो रहा है उधर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। तो पोटेंशियल एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट जो होगा वो भी नॉन जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि हमारे फार्मूले में यहां पर जेड उसने दिया ही नहीं, यानी कि पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता जेड डायरेक्शन में। तो बेटा जो जीरो है उसको तो छोड़ दो, जो नॉन जीरो है उनकी वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन देखना क्या था, ई से वी कैसे निकालते थे, वो कहां है? ई से वी निकाला होगा तो मैंने माइनस डीवी बाय डीएक्स लिखा होगा, यहां लिखा है ये वाला, ये लिखा है। तो बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है ना बेटा, तो आप माइनस डीवी बाय डीएक्स करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो ये एक फार्मूला मान लीजिए आप। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। हाँ ठीक है, तो माइनस डीवी बाय डीएक्स करके इससे आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे। लेकिन आप गौर से देखो, मैंने डीवी बाय डीएक्स नहीं लिखा,
यहाँ पर एक और सिंबल बनाया है मैंने, ये वाला, ये डी नहीं है, ये डेल्टा कहलाता है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। 11th क्लास में भी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में, हर्षित तुम्हें भी याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का एक रिलेशन पढ़ा था, वहां पर भी हमने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किया होगा ऐसे, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। यस सर। अभी तो तुमने यस सर ऐसे बेमन से बोला है, पर तुम कॉपी देखना, आपको मिल जाएगा। तो बेटा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेंगे। तो एक काम करो, अब आप इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में और बताओ वैल्यू क्या आएगी। माइनस तो बाहर ले लेते हैं बेटा, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वाई को कांस्टेंट मानना है, बताओ क्या आएगा। बेटा आवाज नहीं आई मुझे। सर माइनस है। माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया बेटा, है ना सर। ए बाकी लोग कहाँ गए बेटा, मार्केट चले गए क्या? नहीं सर, यहीं पे हैं। यहीं है? अरे यार मुझे तो लगा मार्केट में चला गया, पिक्चर देखने चला गया। अब तो थिएटर बंद है यार, अब तो कहाँ देखेगा। माइनस है सर। माइनस बाहर कॉमन ले लिया, बताऊ क्या सर? सॉरी सॉरी सर सर सॉरी। हाँ इससे पता लग रहा है बेटा, तू था नहीं सामने मॉनिटर के। इसका डिफरेंशिएशन बताना है आपको इसका। तो बेटा a into x, a into x में a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और b into y, इसमें b भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो b into y का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट माइनस ए आ गया, माइनस हमने कॉमन लिया हुआ था। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो हम वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। तो माइनस बी। हाँ तो ये आएगा, पहला स्टेप है ए इंटू एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट है ना, तो फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, दूसरे का बी आ गया, माइनस बाहर है तो ये माइनस बी बचा। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, माइनस ए आई कैप, एक्स कंपोनेंट है आई कैप लगाते हैं, माइनस बी जे कैप, माइनस कॉमन ले लो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप बचेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो आपको आता होगा वेक्टर, मैं नहीं बता रहा। Yes, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, कॉपी कर लो। तो बच्चों अगर मान लो पोटेंशियल एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे और इस तरह से निकालते हैं। ये आपके लिए एक एग्जांपल था। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ। चलो कॉपी हो गया जी? यस सर।
तो लेकर काहे को बैठे हो, बोलो ना सर हो गया। बेटा पोटेंशियल है वी बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, वो भी इस पॉइंट पर 111, यानी कि लास्ट आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू 1 पुट करोगे जब ये निकल जाएगा तब। और वेक्टर में बताना है मुझे, मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा वेक्टर बताना, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ। शुरू हो जाओ। बच्चों फिर से कोई मूवी देखने चले गए क्या? फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप। ओके बेटा चलो आपने कोशिश की, अभी बताता हूँ सही या गलत। मैंने असाइनमेंट 6 है ना उस पर डाल दिया है आपके अकाउंट में, है ना?
देख रहे आपके बैच में डाल दिया है, इसको चेक कर लेना। बेटा बताओ ना, सिक्स नहीं भेजा, शायद थर्ड ही भेज दिया। नहीं, सिक्स भेजा है मैंने, वो आगे पीछे करके देखो होगा। बेटा बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही यार, मैंने मना कर दो मेरे भैया, मना कर दो, काम चल नहीं रहा। चलो यार एक काम करो, मैं लाइव क्लास ज्वाइन करता हूँ। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा तो ये बोलना चाहिए ना, नहीं हो रहा, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना करता हूं। देखो यहां पर हमारा पोटेंशियल एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स के साथ भी चेंज हो रहा है, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी, तो इसका मतलब तीनों कंपोनेंट नॉन जीरो आएंगे। अगर बच्चा मुझे x कंपोनेंट निकालना है तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इस फुल इक्वेशन में बस आपको x वेरिएबल दिखना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट दिखना चाहिए आपको, ठीक है? तो बेटा x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x पूरा बोलो सर। 2x ही तो आएगा, y तो कांस्टेंट है। अरे तो y कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट में उसका 1 थोड़ी ना होता है, y को कांस्टेंट मानकर 2x का करते हैं ना, तो 2xy आएगा। यस सर। सेकंड स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि y और z दोनों कांस्टेंट है। और थर्ड स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जेड स्क्वायर आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें x, y और z तीनों की वैल्यू 1, 1, 1 पुट कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2+1-3 आएगा, तो आपका गलत हो गया परिधि आंसर। सिमिलरली आप y कंपोनेंट निकालो, और बेटा तुरंत निकालो, अब मजाक नहीं है, मैं थोड़ा और ज्यादा सीरियस होना चाहता हूँ, वरना ये चैप्टर पूरा साल भर चलेगा फिर अपना। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, सॉरी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में नहीं करना, तो यहाँ y लिखूंगा मैं, बताओ क्या आएगा? -3 वैल्यू बाद में बताना, पहले अंदर बताओ क्या आएगा सर? x square plus 2z by 2z by x square plus
और यहाँ पर x, y और z तीनों वन 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 पुट करोगे, ये भी माइनस थ्री आएगा। z कंपोनेंट निकालने के लिए सिमिलरली हम z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताओ z के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक बार हर्षित आप और ऋत्विक आप चुप करो, इन लड़कियों को बोलने दो दोनों को। ओके सर, एक बार कैमरा ऑन करना, चलो तीन चारों लोग कैमरा ऑन करो। सर टू वाई जेड, टू वाई प्लस टू जेड, टू वाई प्लस टू जेड। बेटा प्रोडक्ट वाले को क्यों वन कर रहे हो आप? उसको कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में है ना बेटा। बेटा 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो 2 इनटू 2x आता है, 2 का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखते। अभी भी तो टोका था आपको मैंने इससे पहले वाली बात पर, फिर वही गलती कर रहे हो। हाँ शे आप बोलो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो फटाफट। कल से तो ऑन रखना ही है, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है आपके पास, है ना। चलो मैं बैठा हूँ, आप कैमरा ऑन हो जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास। सर हाँ ओके, अब आंसर बताओ आप लोग। सर वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स। तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में पहला वाला स्टेप तो जीरो हो जाएगा, दूसरे वाले स्टेप का होगा वाई स्क्वायर, जेड का वन होगा और तीसरे वाले का होगा टू जेड इंटू एक्स, टू एक्स जेड। और यहाँ पर भी आप वन 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 पुट करोगे तो माइनस थ्री आएगा। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस थ्री आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप। माइनस थ्री कॉमन ले रहा हूं मैं तो अंदर आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? आंसर तो ये आ गया, आंसर तो फाइनल है, आंसर में कोई डाउट नहीं है। क्या बेटा? माइनस थ्री रूट थ्री वोल्ट पर बेटा। माइनस नहीं आता परिधि, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। सॉरी सर, थ्री, हाँ थ्री रूट थ्री इज करेक्ट, वोल्ट पर मीटर ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो बच्चों हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया अभी अभी, ठीक है। ये एक बार आपकी शक्ल देखो यार, मैं तो बच्चों को जानते ही नहीं।
चलिए बच्चों, ये अपन ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, बाद में पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाल लिया। अब यार एक काम करो भैया, आप असाइनमेंट अभी खोलो और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दूंगा, आपको है ना लास्ट क्वेश्चन पर जाना है, सिक्स्थ क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन पर। असाइनमेंट तो मिल गया ना बेटा, आप ओपन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सर मेरे को थोड़ी दिख रहे हैं, मतलब सिक्स। बेटा बाकी लोगों को सिक्स्थ असाइनमेंट मिला या नहीं मिला? सर एक बार चेक करना पड़ेगा, फटाफट चेक करो। नहीं सर सिक्स तो नहीं दिखा रहा। बेटा आप ब्राउजर से देख रहे हो या मोबाइल से देख रहे हो? सर ब्राउजर से देख रहा हूँ। ब्राउजर से सर। दिखा रहा, दिखाना चाहिए, मैंने खोल लिया आप ही के बैच के थ्रू, मैंने खोल लिया। इसको मिल गया, मिल गया ना? Yes, sir, मिल गया। हाँ तो सबको मिल जाएगा बच्चा। मुझे क्या उसका डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, वरना मैं डायग्राम भी बना देता और टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकता हूँ, पर वो फिर हमारी आदत पड़ जाएगी टेलीग्राम से, और मैं इस एप्लीकेशन को आपको यूज करवाना चाहता हूँ। तो चलो इसको मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूँ। सर आ गया, रिफ्रेश होके आ गया था। हाँ रिफ्रेश होकर आ गया ना? नहीं सर रीलोड कर दिया सर। ओके आ गया। बच्चों मैंने टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया, पर अब आप इसका टेंथ क्वेश्चन पढ़ो, बहुत शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, सुनो बेटा। जैसे अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको बिगनिंग में बताई थी वो बात, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, तो आपको याद है हमने डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है, याद है? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई प्लेन ले लूं, ये कोई मैंने प्लेन ले लिया, तो बेटा ये प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन कहलाता है। ये प्लेन क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल प्लेन। ये तीन अलग अलग प्लेन बनाए हैं मैंने, ये तीनों प्लेन इक्विपोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम होता है ये, क्या कहलाते हैं? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। अब मुझे बताओ, ये मैंने तीन सरफेस दिखाए, लेफ्ट मोस्ट सरफेस का पोटेंशियल V1 है, बीच वाले का V2 है और राइट मोस्ट का V3 है, तो V1 V2 V3 में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, ये बताओ। बच्चों जिस क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आना चाहिए, तुम लोग क्या करने लग जाते हो यार? सर इक्वल होना चाहिए क्योंकि इक्वल होंगे। ए भगवान, अरे यार V1 V2 V3 इक्वल कैसे हो सकते हैं? वो पूरे सरफेस का पोटेंशियल V1 है, वो मैंने मान लिया। इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल V1 है, नीचे से ऊपर जाने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पर पागल बच्चों आगे जाने पर पोटेंशियल तो चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
तो इक्वल कहां से आ गया? सॉरी, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, यस। फिर से बोलो, ऑर्डर बताओ, v1 v2 v3 का ऑर्डर बताओ बेटा। सो v1 v2 v3 सर वही, और सर v3 सबसे छोटा। श्रेया बहुत अच्छी आवाज आई बेटा इस बार, वेरी गुड, इसको बनाकर रखो। तो बेटा v1 सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो v1 बड़ा होगा, v2 उससे छोटा होगा, v3 सबसे छोटा होगा। तो मेरा बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे सरफेस का पोटेंशियल v1 है। यानी कि अगर हम सरफेस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा बच्चा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो आपको 10th क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है? अब आप 10th क्वेश्चन रीड करो, चलो। अब आप 10th क्वेश्चन रीड करो। टेंथ क्वेश्चन में आपको दो इक्विपोटेंशियल लाइन दिखाई है, लाइन मान लो या सरफेस मान लो। जो ऊपर वाली लाइन है बेटा उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, नीचे वाली लाइन का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, ठीक है? 4 वोल्ट है। और अब वो कह रहा है यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे ड्रॉ तो करना पड़ेगा यार, लगता है ना। तो मैं ड्रॉ करता हूं, ये पूरा है ना असाइनमेंट, आप देखो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी पर है। 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल, 8th क्वेश्चन भी अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन से होगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट अभी भेजा है ये इसी के हैं। चलो 10th क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप एक बार ट्राई करके आना। मैंने आपको पूरा इसका हिंट दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो बेटा इन इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। हाँ, और बाकी का काम फिर आप करना। मैं अभी है ना टॉपिक चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा टाइम है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा अभी तक है ना हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था, लेकिन कोई सोर्स को डिस्कस नहीं किया अभी तक हमने, पता है? बस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पर बात कर रहे थे। इतनी सारी हमने अभी तक जो बात की वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की बात की। अभी तक हमने ये तो पता ही नहीं लगाया कि यार एक पॉइंट चार्ज मुझे दे दें उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो अब हम सोर्स पर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हेडिंग लिखो बेटा। ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, पॉइंट चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज है ना। और ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां निकालना है। देखो इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चा ये आर डिस्टेंस है, और पॉइंट चार्ज जो है वो क्यू मान लो, चलो कैपिटल क्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव है। तो बेटा हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन ये होता है, ई इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। बेटा ऊपर मैंने डीएस लिखा होगा, अब आर लिख रहा हूं क्योंकि R में कैलकुलेट करना है। ऊपर मैंने X लिख दिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने DS लिखा है, वो DS DR ये सब सिंबल है, एक ही बात होती है, कुछ भी लिख दो। बेटा एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? नॉन
सर यूनिफॉर्म बेटा एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद है आपको या भूल गए? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बच्चों मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, जब आपको जवाब मिल जाए तब बता देना।